ਇਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਵਾਪਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 6-7 ਬੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਟਰੱਕ ਚਾੜ ਦਿਆ ਤਿੰਨ ਦੋ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਠੀਕ ਨੇ किसान आंदोलन में शामिल होने हाँ, 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 आज वापस जा रही थी। हाँ जी वापस जा रही थी। ट्रक वाला भाग गया और हस्पताल ले गए सारी हस्पताल एक उठे मर गई दो इतने मर गए मौके पे चोटें भी आई किसी को है चोट भी लगी किसी को चोट भी लगी एक हाँ एक ही चोट भी लगी उसमें लगी वहाँ से छत चोट लगी है। नाम हरदेव सिंह ब्लाक द्राहा कैसे हुआ सर लुधियाना मैं सवेरे 5:30 बजे उठा बाहर हाथ मुँह धोने जब नीचे देखा भी आ बुढ़िया बैठिया ने मैं क्या क्यों बैठिया ने हाथ मार दिया ने सब तो नहीं भी कोई रुक हुआ कोई ना को रुक नहीं रहा कि मैं उपरों भज गया साइकिल चक के थले आया हेठा आके देखा तो दो माइया मरिया पीया दो फटड़ हुई पे एक साइड पर बैठी थी जारी वह भी फटड़ थी उन्होंने मैं पूछा कि अगर साढ़े को खड़ता मैं उपर गया मैं साढ़े ब्लाक के प्रधान जनरल लुधियाने लैके आया वो आया उन्हें ले आ गए जी दो आटो रोके आटोों के बच्चे जवराज सिंह कढ़ानी उन्होंने सिविल लेके गया दो दोा भी एक दिन मौत हो और PCR होंगी हरियाणे की अज ना तो PCR थी 5 बजे तो लैके पुलिस मुलाजम 6:15 से आए हैं 1.25 घंटा कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं आया ना इंसानियत नाते ना कोई खड़िया 6:20 से एंबूलेंस आई है जो कि 1 घंटा 20 मिनट लेट आई है। ये दसो इतों का प्रशासन इन्ना गंदा हो गया इतनी सरकार इन्नी गंदी होगी की गल इंसानियत साढ़े लाशा साढ़े लाशा तो इस तरह नहीं सू इस तरह कुचलना कि चाहते की ने अभी ये पूछना चाहते चाहते की ने अभी उही को चाह रहे हैं जो साढ़े कहना किन्ने की सूँ मारना चाहते हैं। ये मानसा जिले के करीब 7 महिलाएं अपने घर जाने के लिए सुबह निकली थी और वो यहाँ से किसी ऑटो को इंतजार में थी ऑटो का इंतजार करके रेलवे स्टेशन उनको जाना था क्योंकि 7:45 बजे की ट्रेन जाती है उस ट्रेन से मानसा जाने के लिए ये अपने तंबू से निकले थे यहाँ इसी फ्लाईओवर के नीचे जो डिवाइडर है उस डिवाइडर के पास बैठ के ये ऑटो का इंतजार कर रहे थे तो ये ट्रक जो कि झज्जर की तरफ से इसमें के कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भरा हुआ है डस्ट वो आया और वो अनियंत्रित था और उसने उसको टक्कर मार दी और डिवाइडर के ऊपर वो चढ़ गया और टक्कर मार दी तो इन जो 7 महिलाओं में से इसमें 3 महिलाओं को बहुत ज़्यादा चोट आई 2 महिलाओं की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी और 1 महिला को यहाँ सिविल हॉस्पिटल आते समय उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा जो 1 महिला है जिनके टांग में चोट लगी है उनको PGI रोहतक रेफर किया गया है बाकी लोग जो है उनको थोड़ी बहुत मामूली चोट आई थी उनके उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। ट्रक चालक की क्या स्थिति है? जो ट्रक चालक है मौके पे दुर्घटना के बाद इमीडिएटली वहाँ से मौके पे भाग गया था उस ट्रक की पहचान करके किसके मालिक है उसके अलावा ट्रक पे ड्राइवर कौन था पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है और उसके संबंध में उसको राउंड अप करने के लिए टीम भेजी गई। अभी जिस तरह की बात सामने आ रही पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा किसानों की तरफ से मुआवजे की बात की जा रही है क्या स्टेप ये पोस्टमार्टम क्योंकि अभी तक ये दुर्घटना का मामला है सुबह सुबह एक अंधेरा भी था और उस जगह रोड भी कुछ खराब है बाकी ट्रक में ड्राइवर की क्या हालत थी एक बार पूछताछ के बाद क्लियर भी हो पाएगी तो उसकी एक बार पहचान के बाद में राउंड अप होने के बाद में बेहतर स्थिति में बता पाएंगे मगर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से कागजात तैयार किए जा रहे हैं और जो किसान भाई हैं उनके जो नेता हैं उनसे हम बात कर रहे हैं ताकि इस मामले को जैसे ही ड्राइवर भी गिरफ्तार हो तो अकॉर्डिंगली उनको इन्फॉर्म भी किया जाए अभी तक घटनाक्रम के बारे में और आगे जो है उनके साथ में बात करके हम लोग आगे मैकेनिकल जांच हाँ ट्रक में अगर कोई खराबी आई है उसके कारण दुर्घटना हुई होगी तो उसकी भी मैकेनिकल जांच कराई जाएगी और इसमें किसान जो साथी हैं उनके साथ उसको भी किसी पूरी जानकारी का तफ्तीश से अवगत कराया जाएगा। मैंने अभी जिला में कार्यभार संभाला है तो इसकी जो यातायात व्यवस्था के बारे में और जो रात को जो डंपर ट्रक चलते हैं इनको कोई अल्टरनेट रूट दिया जा सके और अगर कोई ओवरलोडिंग चल रही है उसके बारे में कार्रवाई चल किया जाएगा तो इस संबंध में हम आज चर्चा भी करेंगे और अपने जो ट्रैफिक है जो यहाँ पे इंचार्ज है इसको अल्टरनेट रूट के लिए और रात में खासतौर पे ट्रैफिक को मोबिलाइज करने के लिए और ट्रैफिक को डायरेक्ट करने के लिए सही तरीके से हम जो ड्यूटीज लगाई हुई हैं कोशिश करेंगे कि उसमें आप दोबारा रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करवाएं प्रॉपर तौर पर। किसानों ने ऐसा भी कहा कि जो रास्ता उन्होंने छोड़ रखा जिस रास्ते ट्रैफिक जा रहा है एक साइड उस पर हैवी व्हीकल्स ना आने दी जाए जैसे दिन में तो हमने देखा दिन में तो हैवी व्हीकल्स कुछ नहीं आते अगर रात में हैवी व्हीकल का तो मूवमेंट है तो उस मूवमेंट को हम लोग 100% चेक करेंगे कि इस रास्ते को खासतौर पर ना निकले।